बिल्कुल सेम कलर है जो कि पेंट होने के बाद आया है। तो गाइस सो व्हाट्स अप गाइस, स्पीड शिफ्टर। सो गाइस फाइनली एक और वीडियो आ चुकी है चैनल पे, और गाइस जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि फाइनली गाइस हमारे पास आ चुका है रॉयल एनफील्ड का डुअल सीट काउल। तो गाइस जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स। तो चाबी हम निकाल लेते हैं, खुल जा भाई। तो गाइस बाद में मैं इसके बारे में एक चीज़ और बताऊंगा कि मैंने इसे कहां से परचेज़ किया। तो मैं इसे शोरूम से नहीं लाया हूं क्योंकि शोरूम के ऊपर जो था काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था आने के अंदर, वो 15 से 20 दिन बता रहे थे। तो मैंने इसे ऑनलाइन ही परचेज़ कर लिया अमेज़ॉन से, क्योंकि वो मुझे अगले दिन ही डिलीवरी दे रहे थे। तो गाइस मैंने ऑनलाइन ही ज़्यादा प्रेफर किया परचेज़ करना। तो हो चुका है हमारा ये अनबॉक्स। तो मैनुअल मिलती है जो कि हमें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चाबी कोई लगा देते हैं यहीं पर ही। तो ये रहा गाइस, तो फाइनली GT650 का डुअल सीट काउल 2023 मॉडल के ऊपर हम लगाएंगे आज, देखते हैं कैसा है गाइस। ऑलराइट, तो काफ़ी बड़ा लग रहा है यार हाथ में वैसे लेके देखने में तो, और कितना ज़्यादा अच्छा है। और गाइस अगर आपको लग रहा होगा तो ये फेक है, लेकिन फेक नहीं है, ये ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का है, क्योंकि अमेज़ॉन पे जो स्टोर है वो रॉयल एनफील्ड का ही है जहाँ से मैंने इसको मंगवाया है। तो गाइस 3050 का मुझे ये पड़ा है ऑनलाइन भी, और शोरूम प्राइस भी गाइस इसका वही था 3050। तो जल्दी से अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ इसे। तो ये अभी गाइस ब्लैक कलर का है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको लगाना कैसा है। तो ये पहले हम यहाँ से इसको खोल लेंगे, खुल जा भाई। हाँ तो ये खुल गया। तो काफ़ी लोगों को ना वो शुरू शुरू में बताते हैं कि इसका सीट कैसे खोलना है, तो फिर भी लोग भूल जाते हैं गाइस कि कैसे खोली जाए इसकी सीट। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा लीवर टाइप की चीज़ होगी, आपको इसको पुल करना है बस अपनी तरफ, और दैट्स ऑल, सीट आपकी हो चुकी है ओपन। तो ये खुल चुकी है हमारी सीट, काफ़ी गंदी हो रही है गाइस नीचे से, अभी साफ़ कर लेंगे। तो ये सीट के ऊपर भी मैंने नया सीट कवर चढ़वाया था, बट मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो इसको भी हम बाद में चेंज करवाएंगे गाइस। ऑलराइट, तो जल्दी से लगाते हैं अब अपना काउल। तो गाइस पहले ये काउल जो है इसको ऐसे लगाना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर ये है तो ये इसके अंदर जाता है। ऑलराइट, तो लग जा। हाँ, और इसके अंदर यहाँ पर दो छेद होंगे होल्स के अंदर, आपको इसको सेट करना है। तो इसको डाल लेते हैं इसके अंदर ऐसे, तो गाइस सीट हमारी हो चुकी है फिक्स इसके ऊपर। तो अब बारी है कि यहाँ पर कुछ होल्स दे रखे हैं जो कि हमें इसके साथ अटैचमेंट मिली होगी इसकी होल्स की भी। हाँ, ऑलराइट, ये रही गाइस, तो मिल गए इसके होल्स, बट एक ही पेज दिखाई दे रहा है, दूसरा कहाँ चला गया अभी, लेट्स मी चेक। ये रहा गाइस, तो थैली फटी हुई थी तो उसमें से निकल गया, कोई नहीं गाइस अब जल्दी से लगाते हैं। तो गाइस इसको लगाने के लिए आपको चाहिए एलन की, ठीक है। तो एलन की जो आपको प्रोवाइड रॉयल एनफील्ड जो आपको एलन की प्रोवाइड करती है वो होती है इसके अंदर, बट मैंने इसे खोला, मैंने निकाला और मैंने देखा तो इसके अंदर वो एलन की थी ही नहीं जो इसके अंदर यहाँ पर लगनी है। तो 10 नंबर की गाइस आपको एलन की लेकर आनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। कहाँ गई, ये रही एलन की। हाँ, तो गाइस ये है एलन की 10 नंबर की, तो जो कि इसके अंदर जाएगी ऐसे, और आपको इसे ऐसे कसना होगा। तो ऑलराइट, तो जल्दी से इसको कसते हैं। और गाइस मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने डुअल सीट काउल ही क्यों लिया, मैं सिंगल सीट काउल भी ले सकता था चेंज करा के, बट मैंने प्रेफर किया कि मैं डुअल सीट काउल ही लूं, क्योंकि यार देखो फ़ायदा नहीं था। एक सेकेंड, मैं आपको पहले इसको कस के दिखाता हूँ कि एक बार फाइनल लुक गाइस कैसा आता है। ऑलराइट, तो गाइस एक हो चुका है यहाँ पर परफेक्टली टाइट, तो दूसरी साइड चलते हैं। दूसरी साइड का कहाँ गया होल, ये रहा। तो गाइस यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई देखो सुबह सुबह आया हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि यार देखो आजकल गर्मी दिल्ली की बहुत ज़्यादा ही होती जा रही है, 40 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर। तो गाइस
तो गाइस हमने फाइनली लगा लिया है, अब कर लेते हैं इसको बंद। ऑल राइट, तो ये लगाना है हमें कुछ, ये दो होल्स है ना इसके अंदर जाएगा ऐसे। ऑल राइट, ओप्स। तो गाइस ये हमारा परफेक्टली लग चुका है, तो चाबी लगा लेते हैं हम वापस। तो गाइस ये है हमारा ब्लैक डुअल सीट काउल, तो जो कि ऐसा लग रहा है। तो गाइस मैं आपको एक बार पीछे से दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लुक आने लगा है बाइक का पहले से ज़्यादा, जो कि ऑलराइट। तो गाइस मैं बताता हूँ अब आपको कि मैंने आखिर क्यों ये डुअल सीट काउल ही लिया, मैंने सिंगल सीट काउल नहीं लिया। क्योंकि गाइस देखो ऐसा है कि दो तीन चीज़ें ऐसी थी कि जो मुझे सही नहीं लग रही थी, क्योंकि देखो एक तो ये फुल सीट होती है, तो कभी भी मैं चाहूँ तो इसको निकाल के एक अपने पीछे पैसेंजर को बिठा सकता हूँ, जो कि काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे, क्योंकि इसको हम बार बार निकाल सकते हैं और लगा भी सकते हैं बहुत इजीली। तो बस आपको ये स्क्रू खोलना है। और दूसरी चीज़ मुझे ये लगी कि अगर मैं इसकी जगह दूसरी सीट लूँ, एक तो सीट का खर्चा आता है, फिर उसके बाद मैं काउल लूँ जो कि छोटा काउल है, और जो छोटा काउल होता है उसकी सीट कम से कम इतनी आती है। तो गाइस वो काउल जो है वो आपको इतना मिलेगा, तो पीछे का जो स्पेस रहता है वो काफ़ी बुरा लगता है फिर खाली, क्योंकि आपको ये पार्ट जो है ना बिल्कुल सीधा दिखता है, तो गाइस काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है वो। क्योंकि होता क्या है, अगर आप सिंगल सीट वाला लेते हो ना, तो आपको ये अगर आपको बाइक को थोड़ा सही दिखाना है, तो आपको ये अपना ये जो है ना ये यहाँ से कटवाना पड़ता है, ये यहाँ से कट के छोटा होके पीछे होके लगता है, तो उससे थोड़ी बाइक की फील फिर ज़्यादा बेटर हो जाती है। बट यार आप 4 लाख की बाइक ले रहे हो, तो मैं तो आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप अपनी बाइक के अंदर काटा पीटी करो ज़्यादा, क्योंकि भाई सिंपल स्टॉक मुझे बाइक ज़्यादा पसंद है। तो अभी जो हम देखने वाले हैं गाइस, अब हम बाद में जो है इसके साथ, मतलब आज ही मैं जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि ग्रे काउल, क्योंकि गाइस ये ब्लैक है, ग्रे काउल अभी पूरे इंडिया में आई थिंक अवेलेबल नहीं है, तो इस कलर का काउल हम गाइस के ऊपर पेंट कराने वाले हैं। तो हम चलते हैं गाइस जल्दी से मस्ताना झील, जो कि है दिल्ली में ही, यहीं अपने पास ही। तो इस कलर का गाइस काउल हम इसके ऊपर पेंट कराने वाले हैं, तो फिर देखते हैं कि गाइस कैसा लुक आता है। तो अभी तो गाइस इसका ऐसा लुक आ रहा है कुछ, जो कि मुझे काफ़ी सही लग रहा है। अभी ब्लैक के अंदर गाइस देख लो ऐसी लग रही है। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ इस काउल के सिनेमेटिक्स, जो कि आपको शायद अच्छे लगे हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइस लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऑलराइट गाइस, तो ये थे हमारे जीटी के कुछ सिनेमैटिक्स काउल के साथ। तो अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, क्योंकि गाइस अब हम जा रहे हैं इस काउल को इस कलर का गाइस पेंट कराने। तो गाइस जल्दी से चलते हैं, और क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा तो धूप ज़्यादा बढ़ जाएगी और गर्मी उतनी ही बढ़ती रहेगी फिर। ऑलराइट, तो गाइस जल्दी से अब चलते हैं। ओहो भाई जीटी की फील ही अलग आती है भाई, कसम से मज़ा आ जाता है। ऑलराइट, तो इग्निशन कर लेते हैं हम ऑन, फ्यूल पंप रेडी। और गाइस हाँ, मैंने ये लगाया था तो पहले ही मैं इसके ऊपर फ़ोन लगा दूं, क्योंकि गाइस बहुत ही बेकार क्वालिटी का है कसम से, मतलब मुझे इसको दोबारा से चेंज कराना है। मैंने फ़ोन होल्डर लगाया था ताकि मैं GPS लगा के कहीं इधर उधर जा सकूँ, बट जैसे ही मैं इसको निकालता हूँ ना गाइस, ये इतना ज़्यादा आवाज़ करता है, चुड़ 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 चुड़, दिमाग खा जाता है। तो अगर मैं इसके अंदर फ़ोन लगा दूँ ना, तो गाइस फिर नहीं करता इतनी आवाज़, फिर बिल्कुल सही रहता है ये। तो अभी मैं इसके ऊपर फ़ोन लगा देता हूँ ताकि ये आवाज़ ना करे। कस गया।
ऑलराइट तो और कस देता हूँ थोड़ा सा। ऑलराइट तो गाइस चलते हैं हम जल्दी से, स्टैंड हमने हटा लिया है। तो गाइस जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं तो गाइस वो यहाँ की मेन मार्केट है जहाँ पर बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स वगैरह और सर्विसिंग वगैरह सब होती है। तो वहाँ पर लोग अपनी बाइक्स को मॉडिफाइड भी करा लेते हैं मतलब। और आप GT के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस चाहते हो गाइस ये भी बताना, तो उस हिसाब से फिर हम अगली वीडियो बनाएंगे अपनी। ओ भाई मुझे लगा था कुत्ता पीछे पड़ने वाला है। ऑलराइट तो और गाइस और सो जैसे कि हम हमेशा ही राजघाट पे वीडियो बनाते हैं क्योंकि मुझे लगता है ये एक सबसे सुकून की जगह है जहाँ पर लोग ज़्यादा, अरे भाई अभी गिरैली मरती, तो गाइस जहाँ पर लोग ज़्यादा ना आते हैं ना जाते हैं, बस वॉकिंग के लिए लोग आते हैं काफ़ी। अगर आप कभी अंदर गए हो तो बहुत अच्छा है, और जो लोग नहीं गए तो गाइस एक बार जाके देखना, काफ़ी अच्छी जगह है। और राइट तो पहुँच चुके हैं हम, बस हमें यहाँ से लेना है राइट, फिर यू टर्न लेके हम जाएंगे झील की तरफ। पता नहीं गाइस अभी खुली होगी या नहीं खुली होगी, वो तो हमारा लक है। वैसे मैं आपको बताता हूँ गाइस, मैंने जो है ना एवेंजर से एक जादू का कोर्स सीखा है। हाँ गाइस तो मैंने जो है एवेंजर से जो है ना एक जादू का कोर्स सीखा है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है। बट वो काम जब ही करेगा क्योंकि अगर दुकान बंद हुई तो हम टाइम ट्रैवल करके वक्त में आगे चले जाएंगे। तो अभी 76 सेकंड्स हैं हमारी रेड लाइट पे। तो वैसे गाइस पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी उसके अंदर जो है ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वॉबलिंग के बारे में बताओ कि कितनी वॉबल करती है बाइक, हीटिंग इशू है या नहीं है, तो वो सब गाइस हम अगली वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो ये वाला जो वीडियो था गाइस ये सिर्फ काउल के लिए था, तो इसके अंदर हम काउल पर ही बात करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर वीडियो में हम और भी चीज़ें मिक्स करें क्योंकि फिर कंटेंट जो है अपना ख़राब हो जाता है। तो बैटरी वाली जा रही है भाई मस्त एकदम। सो गाइस अब मैं आपको मिलता हूँ झील पे पहुँच के, कहीं वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाए। झील आ चुका है, देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं। 8% बैटरी में हो सकता है हम पहुँच ही जाएँ शॉप तक। सो ऑलराइट गाइस तो हम फाइनली पहुँचने वाले हैं, और गाइस आई थिंक मुझे लगता है सब कुछ बंद ही है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जैसा कि मुझे लग ही रहा था कि बंद होने वाला है। तो बट कोई नहीं गाइस, हमारे पास जादू है जो कि हमने सीखा है एवेंजर्स से। ओके भाई देखते हैं कि अंदर बंद है नहीं। ऑलराइट तो गाइस सब कुछ ही बंद है यहाँ, तो वेरी गुड। तो अब मेरे समझ में नहीं आ रही कि हम करेंगे क्या। तो गाइस हम पहुँच तो चुके हैं बट सब कुछ बंद है, वो शॉप्स बंद है, कुत्ता पीछे पड़ गया था बे। ऑलराइट गाइस तो अब देखते हैं कि क्या सीन है। ठीक है तो गाइस अब मैं फाइनली वो मैजिक करने जा रहा हूँ। तो गाइस आप देखना कि काउल कैसे आता है पेंटेड इस कलर का। यार ये कुत्ते इतने चिल्ला क्यों रहे हैं बे, ये मुझे काटेंगे तो नहीं, मैं उन्हें बहुत मारूंगा। ऑलराइट तो गाइस 1 2 3 एपेक्स ग्रे पेंटेड काउल आ जा। वो ओके गाइस तो फाइनली हमारा काउल आ चुका है। तो गाइस देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है गाइस पेंट होने के बाद। तो गाइस मैजिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है गाइस ये काउल, और बिल्कुल कलर मैच हुआ यार, मुझे लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा कलर मैच हो पाएगा, तो बट लेकिन कलर काफ़ी हद तक ज़्यादा मैच हो गया। तो गाइस हम जल्दी से चलते हैं एक अच्छे से बैकग्राउंड में इस जगह को छोड़ के, यहाँ तो कुत्ते मुझे लग रहा है मुझे कुत्ते ही काट लेंगे आज। ऑलराइट गाइस तो जल्दी से चलते हैं अब अच्छे से बैकग्राउंड में। तो फाइनली गाइस काउल आ चुका है, अब जल्दी से लगाते हैं और देखते हैं कि कैसा लगता है। ऑलराइट सो गाइस बॉडी पेंट काउल लगने के बाद गाइस अब हमारी बाइक जो है वो कंप्लीट लगने लगी है गाइस, कसम से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बेहतर हो गई पहले से। तो मुझे ब्लैक से ज़्यादा पर्सनली बॉडी पेंट ज़्यादा अच्छा लगा एपेक्स ग्रे। तो गाइस 100% तो मैच कलर नहीं हो सकता, पर 99% मैच्ड है कलर, क्योंकि आप देखो बिल्कुल सेम कलर है जो कि पेंट होने के बाद आया है। तो गाइस अगर आप कराना चाहते हो तो गाइस आपकी GT एपेक्स ग्रे विद एपेक्स ग्रे काउल के साथ ऐसी दिखने वाली है गाइस, और
सच में गाइस काफ़ी अच्छी लग रही है। मुझे प्रेफर अगर मैं करूं तो मुझे ब्लैक से ज़्यादा ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने लगी है, बाइक लगने लगी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस ये आई थिंक यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं डाला कि एपेक्स ग्रे, मतलब किसी ने अभी शायद लगाया ही नहीं है क्योंकि एपेक्स ग्रे मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं काउल, तो ये पेंट ही कराना पड़ता है। तो मतलब किसी ने भी कराया नहीं है, तो ये यूट्यूब पे मैंने आपको पहली बार दिखा रहा हूँ। तो गाइस लाइक करना वीडियो को, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके कुछ सिनेमैटिक्स और देखते हैं कि बिफ़ोर आफ्टर कितना फ़र्क आया, कि ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा था या एपेक्स ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप अपनी बाइक पर कौन सा कलर करवाना चाहते हो। तो मैं तो प्रेफर आपको भाई यही वाला कलर करूँगा क्योंकि भाई अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ब्लैक से मुझे तो। ऑल राइट, तो गाइस देखते हैं आप। सो गाइस ये थे कुछ सिनेमैटिक्स हमारी जीटी के। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये काउल कैसा लगा और आपको ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा लगा या ये ग्रे वाला ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने आपको दोनों ही कंपेयर करके दिखा दिए हैं। तो गाइस वैसे मुझे ग्रे वाला ज़्यादा बेटर लगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि गाइस आपको कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है। तो सो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था गाइस कि हमें इस टॉपिक पे बात करना था काउल के। तो गाइस ऐसा लग रहा है कुछ एपेक्स ग्रे काउल। तो दैट्स ऑल गाइस आज के लिए। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, और गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो गाइस प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ऑल राइट।